हम तुम्हें हमेशा ऐसे ही स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं। थैंक यू। वेलकम। ए भाई, तू यहाँ मेहंदी पे मेहंदी लगवाई जा रही है और वहां उनकी महफिल जम गई, सब डांस बीन्स गाना बिना होके खत्म भी हो गया। उधर उन लोग ने महफिल जमाई है ना, तो इधर भी तुलका कुकड़ा कमारी रोकड़ा। लोग अपन को टिप टिप दे रहे हैं, तू जा खा पी मजे मार। हो गया हो गया। अरे वाह, तुम्हारा हाथ तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत तेज हो। ओके है ना, स्कूल में ना मैं एक ही विषय में पास होती थी, चित्र निकालना, ये कला वाला सब डांस। अरे थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम। आओ, अरे आओ ना, आ जाओ आ जाओ, बैठो। कितना ऐसा हाफ फुल पीछे? आधा चलेगा। ये लड़का क्या कर रहा है यहाँ? तुम्हारे साथ है क्या? हाँ, ये जब तक मैं मेहंदी निकालती है ना, ये पैर दबाता है, पर उसका चार्ज लेते हैं ये। चलेगा चलेगा, हेला चल चल चल, दबा 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 दबा, चल चल। अब पैर तोड़ मत देना। सब लोग नाचे, मैं नहीं नाची, मैं भी नाचती ना। आई, आपको पता है ना, ये हालात ही कुछ ऐसे है, और सिया और नारी, तुम दोनों को भी नहीं नाचना चाहिए था। आई, आपने देखा ना क्या हुआ? हाँ रे, मैं सब समझती है, बस मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मानने की शादी और मैं ना नाची। सॉरी आजी। अरे तू इधर क्यों आई? जा जा, किसी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, जा। हाँ मान्या, तुम जाओ यहाँ से। हाँ जाओ। जिस बात का डर था वो ही हुआ, जमा हो गए सब के सब। मान्या, गोयंग का बहू होने के नाते तुम्हें तो सबको पूछना चाहिए, पर नहीं, तुम तो यहाँ सब नौकर। काम वाले लोगों के साथ में आकर बैठ जाती हो, ये क्या शोभा देता है तुम्हें? लोगों को तुम्हारा असली रिश्ता पता नहीं है, किसी ने देख लिया तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? बार बार क्यों भूल जाती हो तुम? पर दादी जी। मान्या, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है, तू जा यहाँ से। चलिए अभी आप लोग घर जाइए। जी। नीमा, तुम्हें क्या अलग से बोलना पड़ेगा? जाओ तुम लोग भी। रुक जाओ, मैं तुलिका और वरुण को लेके आता हूं। कुछ सपने सपने नहीं रहते, सच हो जाते हैं। इस खूबसूरत सी फैमिली का हिस्सा बनके मेरा एक सपना सच हो गया है, इसीलिए मैं अपनी इस नई फैमिली और पारस को उनके बड़े दिल और प्यार के लिए थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और इसीलिए मैंने एक डांस परफॉर्मेंस तैयार किया है। ये माइक हमें लगवाना ही नहीं चाहिए था। सही कह रहे हैं मम्मी। मैं सुनीता माने
सिया और नारी माने को इनवाइट करना चाहती हूँ कि वो मेरे साथ आके स्टेज पे डांस परफॉर्म करें। हैं? ये मेहंदी वाली के साथ मारी बहू नाचेगी? जी, पर ये कोई ऐसी वैसी मेहंदी वालियां नहीं है। ये शादियों का नाच गाना अच्छे से करती भी हैं और सिखाती भी हैं। और कौन सा नया तमाशा होने वाला है? रोको उसे। चलो घर चलो। रुकिए। आप सब लोग प्लीज आ जाइए। हमारी होने वाली दुल्हन की ये दिल से रिक्वेस्ट है और हम चाहते हैं कि आप सब लोग जोरदार तालियों से इनका वेलकम करें। सो कम ऑन। पारस, ये सब बंद करो। दादी देखिए ना, किसी को थोड़ा भी शक नहीं है, उल्टा सब लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं। अच्छा होगा कि अगर आप भी ये दिखाएं कि सब ठीक है, नहीं तो आप ही को देखकर इन्हें शक हो जाएगा। प्लीज माने और उसकी फैमिली को भी थोड़ी खुशी मनाने दीजिए ना। ठीक है, पर ये सब सिर्फ आपकी खुशी के लिए। याद आ गया, मन ने थारे को कत्थे देखा है। तू वही बुढ़िया है ना जो मारे से बस्ती में भिड़ी थी? ये बस्ती वाले अट्ठे काय कर रहे हैं? मैडम जी, मैं गरीब मेहंदी वाली हूँ, खोली में नहीं रहेगी तो क्या ऐसे महलों में रहेगी क्या? अब ये क्या नया चक्कर है? चक्कर जो भी हो, हमें खत्म करना ही पड़ेगा। सुनिए सुनिए, खाना लग गया है, आप सब लोग वहां जाकर खाना खाइए। अरे देवरानी जी, आप क्यों ये मेहंदी वालियों के बीच में उलझी हुई है? चाहिए आप भी खाना खा लीजिए। बबीता, पारस, देवरानी जी को टेबल तक ले जाइए। पारस चाहिए? आप बहुरानी की फिक्र मत करिए, हम है ना, हम उसे ले आएंगे। चल जाइए।
नीमा माजी माजी हमें माफ कर दीजिए। नीमा हमने अपना वादा पूरी तरह से निभाया है पर तुमने तुमने ये वादा तोड़ दिया है और हम नहीं चाहते कि आगे हमें कोई शर्मिंदगी हो। हमने फैसला ले लिया है कि हम ये वादा तोड़ देंगे। कल शादी में हमें मान्या के अलावा तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य की शक्ल नहीं देखनी। तुम्हारी भी नहीं। सॉरी दादी जी पर प्लीज ऐसा मत कहिए। किसी को कुछ पता नहीं चला है तो हम क्या राह देखें कि लोगों को पता चले। सॉरी दादी जी हम तुम्हारी दादी नहीं है। हम तुम्हारी सारी बातें मान गए पर एक तुम लोग हो जो बीमारी की तरह फैलती जा रही हो। भगवान ही जाने आगे तुम क्या क्या करोगी। अरे मम्मी जी नीमा ने तो जो किया सो किया। ये सुरेश की बीवी तो कुछ और ही धंधा खोल के बैठी हुई थी वहां पर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो फिर वो क्या था। हमारे गेस्ट को मेहंदी लगाने के बहाने और मसाज देने के बहाने जो पैसे लूटे जा रहे थे सारे के सारे लूटे हुए पैसे अभी के अभी वापस करो अभी। हे भगवान ये पारस कैसे लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। तुलिका पैसे वापस दे। तुलिका पैसे वापस दे। हाँ देती है ना। रुक अपना वाला रहने दे। दे अजीब सॉरी वो उसे अकल ही नहीं है कहाँ क्या करने की। उसकी क्या तुम सारे बस्ती वालों का यही हाल है। पर तुम्हारे एक दिन के किए के पीछे हम सारी जिंदगी ताने नहीं सुनेंगे। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं कल नहीं आएगी। पक्की नहीं आएगी। बस आपसे एक विनती है इन बच्चों पे अन्याय मत करिए। यहाँ कोई भी बच्चा नहीं है। गलती की सजा सबको बराबर ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रही है मम्मी जी। जी माँ जी अब बिल्कुल सही कह रही। हमने गलती की है तो सजा भी भुगतेंगे। कल यहाँ पे मान्या के अलावा कोई नहीं होगा।
पर आई। बस मान्य, चलो। कि फंक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। अरे पारस बेटा, सब कट्ठे गए? हम अभी देख कर आते हैं। ए पारस, थोड़ा टाइम हमें भी दे दे यार। चल चलते हैं। चल। ये छोरा भी गया। अब मन ने ही देखना पड़ेगा। थोड़ी टिकी भी रहो, इस हालत में भी आपको चैन नहीं है। अरे थोड़ा हंसा भी कीजिए, कोई मर तो नहीं गया ना। दादी हा? आपको पापा बुला रहे। चल ओ छोरी, थारी शक्ल क्यों उतरी है? अरे आज तो थारे बावरे होके नाचने के दिन थे। एक छोरी, अब तक मारे थारे बीच में जो था ना, उसे भूल जा। देख, मैं थारी छोटी दादी सास हूं ना, तो बता मन ने काय हो गयो? वो मुझे मेरे आई पापा की बहुत याद आ रही है। लिखा, तुझे शर्म नहीं आई ऐसे लोगों से पैसे लेते हुए, वो भी मेरी बेटी की शादी में? एक तो बिना बताए आई, ऊपर से ऐसी हरकतें, तो मैं तुझसे रिश्ता जोड़ू? अब देख मैं क्या करता हूँ। ए बस ए सुरेश, बस हो गया। तू हमेशा मेरे कुछ गाय को बोलता है रे। आई से पूछ, आई उधर क्या कर रही थी? कैसे मुंह बना बना के डांस करी थी आई? ए तू मुझ पे मत आ। अरे वो दादी रेगिस्तान, वो पहले बस्ती में आई थी ना, तब उसके साथ मेरा राड़ा हुआ था। मैं थोड़ा डर गई, मुझे क्या पता आगे जाके वो मान्या की रिश्तेदार बनेगी। हाँ तू करे तो भगवान, और हम शैतान ना। ए तू अपने हाथ में रहे। हाँ तू अभी मेरी बहू नहीं है। ए, ए, अभी भी बहू है, अभी डाइवोर्स नहीं हुआ। नहीं है तो मेरे बहू को डाइवोर्स जाने दे। चुप करो सब। है? देवा, आज ही पता चला मुझे इसके अंदर इतना वैल्यूम है। और गलती सिर्फ आही और तुलिका से नहीं हुई, दिया और नारी से भी हुई। और मान्या, उसका ऐसे सबको नाचने के लिए बुलाना बहुत सही था क्या? सबसे बड़ी गलती तो मुझसे हुई है कि मैंने अपनी नहीं सुनके मान्या के प्लान के लिए हाँ किया था। बहुत सही सुनाया माँ जी ने, शादी में जा सकते थे, अब वो भी छीन गया हमसे। पर आई बस करो नारी, मुंह बंद रखो, बहुत हो गया। अब से मान्या कुछ भी कहे हम नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे। अब ये शादी ठीक से हो जाने दो बस। ज्यादा नहीं मांग लिया ना?